কে স্বাগত করার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলার জননেত্রী, লড়াকু নেত্রী, আপামর জনসাধারণের সুখ দুঃখে
পদার্পণ করব। আমরা সর্বপ্রথম বরণ করে নেব কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের পর্যবেক্ষক সম্মাননীয় কৈলাস বিজয়বর্গীয় মহোদয়কে, বরণ করে নেবেন রামনবীন সিং মাহাতো মহোদয়কে, বরণ করে নেবেন রামনগর বিধানসভা নেতৃত্ব নিত্য গোপাল দাস মহাশয়। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, रोहिंग्या मुसलमान जो आतंकवादी हैं उनको आप गले लगाती हैं, वो आपके प्यारे हैं रोहिंग्या मुसलमान। बांग्लादेश के घुसपैठिए जो यहाँ तस्करी करते, फेक करेंसी चलाते, हथियार लाते हैं, नशीले पदार्थ लाते हैं, वो आपके हैं। और अमित शाह जी बाहर के हैं, कैलाश विजयवर्गीय बाहर का। ममता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका आत्मविश्वास खत्म हो गया, आपने पूरी की पूरी टीएमसी पार्टी को पीके के पास, पेक कंपनी के पास गिरवे रख दिया। आज टीएमसी ममता जी की नहीं, आज टीएमसी मुकुलदा की नहीं है, आज टीएमसी शुभेंदु अधिकारी की भी नहीं है, वो भी टाटा कर रहा है। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अब टीएमसी में नहीं रह सकता, क्योंकि टीएमसी की बागडोर भाईको के पास चली गई, भाईको के पास चली गई। और भाईको क्या कर रहे हैं, हमारी अभी लॉकेट दीदी ने बताया, गाय की तस्करी का पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, भाईको के पास, भाईको के पास। कोयला चोरी का पैसा किसके पास जाता है, जोर से बताओ। बांग्लादेश में तस्करी का पैसा किसके पास जाता है, ये भाई को अब टीएमसी चला रहा है। क्या ऐसी टीएमसी की सरकार इस प्रदेश में रहना चाहिए, सब टाटा बाय बाय कर रहे हैं, प्रदेश की जनता भी टाटा बाय बाय कर रही है। ममता जी और भाई को जितना आप
चार महीने का समय है आपका, और फावड़े से नोट खींच लो, पर उस नोट का करोगे क्या? जब सीबीआई छापा मारेगी, जब सीबीआई पकड़ेगी, तो वो पैसा कोई काम में नहीं आएगा। जेल में पैसे का कोई उपयोग नहीं है। ये सारे भ्रष्टाचारी लोग, सिंडिकेट लोग, कट मनी खाने वाले लोग, गाय की तस्करी करने वाले लोग, कोयले की तस्करी करने वाले लोग, सब की जगह नवान नहीं है, जेल है। और आने वाले समय में ये सब सिंडिकेट राज चलाने वाले लोग कहां होना चाहिए? बताइए जोर से, गाय की तस्करी करने वाले लोग कहां होना चाहिए? चावल तस्करी करने वाले लोग कहां होना चाहिए? उनकी जगह जेल में है, नवान में नहीं है। नवान में जगह है तो देशभक्तों की जगह है। चाल चोर सरकार, सिंडिकेट सरकार, चिट फंड सरकार, अब दरकार नहीं है। अब यदि दरकार है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आवश्यकता है।